সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে, আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। मित्रों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, ममता दी यूपीए पर बहुत वारी जाती है, समर्थन करती है, कभी हाँ बोलती है कभी ना बोलती है, मगर वो साथ में ही है। जब यूपीए की सरकार थी 13th फाइनेंस कमीशन आया था और 13th फाइनेंस कमीशन ने 5 साल में बंगाल के विकास के लिए 1,32,000 करोड़ रुपया दिया था। 1,32,000, जरा जोर से बोलिए कितना दिया था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, 14वां वित्त आयोग आया, 14th फाइनेंस कमीशन आया, 1,32,000 करोड़ से बढ़ाकर पश्चिम बंगाल को 3,59,000 करोड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी से। मित्रों, 3,59,000 करोड़ रुपया दिया है। मैं पूछना चाहता हूं बंगाल के गांव के नागरिकों को, आपके गांव में रुपया पहुंचा है क्या? जरा जोर से बोलिए पहुंचा है। कहां गया भैया, कहां गया? मोदी जी ने तो भेजा है, 3,59,000 करोड़ कहां गया? ये भतीजे और सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है, तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।